अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। क्या सोच रही हो रानी? उन्होंने मुझे बेड टच क्यों किया? मैंने क्या बिगाड़ा था उनका? अय्या, अब समझ आया? मैं गरीब हूँ ना, इसके लिए गांव में भी सब कहते थे कि अमीर लोग गरीबों के साथ कुछ भी कर सकते हैं, कि नहीं मालकिन? नहीं बेटा, इधर आओ, इधर आओ। ऐसे बात नहीं करते, हमारी बात सुनो। आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए, ऐसा तो बोलना भी नहीं चाहिए आपको। भगवान के लिए क्या गरीब क्या अमीर, कौन गोरा कौन काला, भगवान के लिए सब एक से हैं। जैसे दिन होता है और फिर रात रोशनी होती है और फिर अंधेरा, वैसे इस तरह दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग टाइप के लोग हैं, पर तुम्हें ये बात हमेशा याद रखनी है, कोई किसी से स्पेशल नहीं है। जितना हक राम जी ने दूसरों को दिया है खुश रहने के लिए, उतना ही हक तुम्हें भी दिया है। राम जी हर तरफ है, हर जगह है, सबके लिए है। इसीलिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी, कभी नहीं घबराना और राम जी पर कभी भरोसा मत हटाना। आपको याद है जब हम आपको पहली बार मिले थे, क्या कहा था आपने? आपने कहा था ये चोट पे थूक लगाने से चोट निकल जाती है, आप भूल जाते हो चोट के बारे में, याद है ना? रानी, मैं जानती हूँ ये सही नहीं हुआ आपके साथ, बहुत गलत हुआ, लेकिन इस बात पर थूक लगा दो, भूल जाओ इस बात को, नहीं तो तुम हमेशा दुखी रहोगी, हमेशा तकलीफ में रहोगी, भूलोगी ना? गुड गर्ल। चल भी स्माइल कर, अभ्यास करना है कि नहीं? रानी को तो पढ़ाई पसंद है ना, आप अभ्यास करो, हम बहन जी को देख कर आते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे बच्चे पे हाथ उठाने की? ये बैड टच कर रहे थे मुझे, तो काम करने देती। क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रहे हो? अभी लग जाता आपको, जाओ वहां ताई जी के पास जाके चॉकलेट ले लेना, ठीक है? ऐसी संदेह भरी नजरों से मत देख छोटे, मैं वैसा आदमी नहीं हूं बेटा, बिल्कुल नहीं। देवी है हमारे लिए, साक्षात देवी। बहुत बड़ी गलती हो गई, भूल हो गई हमसे, वो नजर छोटे भाई की एक बाप की थी, यूं समझ लीजिए कि एक पल के लिए भाई मर गया और बाप जिंदा रहा, माफ कर दीजिए, क्षमा प्रार्थी है अपनी। कोई बात नहीं, तुम्हारी मनोदशा हम समझ सकते, हम भी बाप है, और
अगर हमारे साथ भी ऐसा कुछ हुआ होता तो यकीनन हमारी आंखों में भी इसी तरह का शक झलक रहा होता। छोटे भाई ने धोखा दिया, बड़े भाइयों को तो भुगतना ही पड़ेगा। वो कहते हैं ना बेटा, जाके पैर ना फटी बेवाही, हो गया जाने पीर पराई। जब तक दूसरों के संग कोई घटना घटती है तो हमारा ध्यान नहीं जाता, हम सोचते हमें क्या करना है, लेकिन जब हमारे खुद के साथ कुछ घटता है ना तो सीने में कांच फूटते हैं, कांच। हमारे घर में घटना घटी तब हमारे दिमाग की घंटी बची और हमें समझ आया ये समाचार नहीं है, ये समाज का घिनौना सच है। अब हम इसकी पीड़ा महसूस कर सकते हैं। बच्चों की तरह पाल पोस के बड़ा किया उस छोटे को, उसने क्या कर दिया भैया, मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा उसने। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन अति सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। हमें हार नहीं परिवार चाहिए। तुम भूल गई हो पर हमें याद है। जी हार अब भी तुम्हारा हो सकता है अगर तुम उस पापी गुड़िया को हमारे घर से हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए उखाड़ के निकाल दो, नहीं तो हमें नर्मदा में कूद के अपनी जान देनी पड़ेगी। मोम जी कैसी बातें, साम दाम दंड भेद जो करना है करो, मैं उस पापी गुड़िया को निकालो इतने से। जब से आई है हमारे घर में एक के बाद एक मुसीबत आ रही है, इससे पहले कि शुक्ला परिवार का सर्वनाश हो जाए तुम विनाश कर दो उस गुड़िया का। कौवा परी ऐसे मुंह क्यों लटका के बैठी हो तिगड़म तुगड़म करके? तुम्हारी और मम्मी की बात सुन के डर लग रहा है हमें कि अगर कोई बैटच वाला पर्सन हमारे सामने आ गया और हमें बैटच कर दिया तो हम तो उससे नहीं लड़ पाएंगे, बहुत डरपोक हैं हम। क्या बुद्धू बात कर रही है परी, जैसे मैंने किया वैसे ही तुम्हें करना है और वैसे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पापू है ना, किसी बैडमैन को तुम्हारे आस पास भी नहीं आने देंगे। और कभी गलती से आ भी गया ना तो तुम्हारी जो गुड़िया है ना ऐसे झटके में प्यारी गुड़िया से शैतानी गुड़िया बनके उस बैडमैन की चटनी बना देगी खटड़ खटड़ करके। लो संभालो अपनी अमानत और पूरा करो हमारा बदला। उस गुड़िया को सह परिवार इतनी दूर भेजना कि कभी लौट के वापस ना आ सके, महेन चाहे भी तो उसे खोज ना पाए, समझी? गुड़िया आउट थ्रो। तुम अपने साइड में प्रॉमिस करो हमसे कि हमें बैड बॉय से बचाओगी और हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ोगी। ये गुड़िया तुम्हें वचन देती है परी, हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगी। अब देखिए गुड़िया रानी टीवी से पहले दंगल प्ले ऐप पर।